प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग क्लास नाइन्थ के सीबीएसई एनसीईआरटी के मैथ को सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि नाइन्थ वाले क्लास के लिए हम लोग मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले दिन 1.2 का सॉल्यूशन किए थे, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के लिए नाइन्थ क्लास का सीबीएसई एनसीईआरटी से। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ न कुछ जानना जरूरी होता है, ताकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग अच्छे ढंग से अच्छे से कर पाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि पॉइंट। अब ये डेसिमल कैसे प्राप्त होता है? जब कोई भाग, कोई डिवाइड पूरी पूरी तरह से नहीं कटे, तब हम लोग उसको डेसिमल बोलते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, डेसिमल क्या होता है? तो जब कोई भाग, जब कोई डिवाइड पूरी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेसिमल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आप सारी चीजों को नोट करेंगे कि डेसिमल का मतलब क्या हुआ। हालांकि इसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लिया हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया, तब हम इसको बोलेंगे कि ये डेसिमल में नहीं है, नॉट इन डेसिमल, यहां पे डेसिमल नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगले एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। अगर हम बोलेंगे कि 5 को 2 से डिवाइड करो, तो क्या होगा? 2 दूना का 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। अब तो भागने लगेगा, तो जब भागने लगेगा तो यहां पे हम पॉइंट देंगे। अब जब पॉइंट दे देंगे तो यहां पे एक और 0 और 2 बच्चे 10। इस तरीके से अब जो हम लोगों का यहां पे बन रहा है, यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो हम लोगों का डिवाइड आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, डेसिमल का मतलब ये हुआ कि जब कोई डिवाइड पूरा पूरा तरह से नहीं कटे, तो आंसर आता है पॉइंट में, यानी कि डेसिमल में। तो वही होता है हम लोगों का डेसिमल। तो डेसिमल में दो एग्जांपल से समझ लिए कि डेसिमल क्या है। तो डेसिमल में अगर कोई डिवाइड पूरी पूरी तरह से नहीं होता है, तो वो कुछ पॉइंट में बचता है, और जब कुछ पॉइंट में बच गया, तब हम उसको बोलेंगे कि ये डेसिमल के फॉर्म में है। अब चलिए आइए आगे सीखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेसिमल के जो टाइप्स हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल, डेसिमल के कितने टाइप्स होते हैं? प्यारे बच्चों, डेसिमल के दो टाइप्स हैं। पहला का नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्यारे बच्चों, एक का नाम है टर्मिनेटिंग और दूसरा का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी डेसिमल हो, लेकिन हमको रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर अगर 0 हो गया, तब वो हो गया टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तब हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बोलते हैं प्यारे बच्चों? जब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? जब रिमाइंडर डज नॉट इक्वल 0 होगा, यानी कि 0 नहीं होगा तब। जब 0 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि कौन सा डेसिमल है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए, तो अब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे।
तो अब अलग अलग टॉपिक देंगे, तो अब टॉपिक बनाया जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे व्हेन रिमाइंडर इज जीरो देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लिखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें लिखेंगे when remainder is not zero, then it is non-terminating decimal। अब जरा बात करते हैं प्यारे बच्चों कि कौन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और कौन होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जरा इसको हम लोग अब चर्चा करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अब हम लोग कुछ सवाल ये आएगा, क्या सवाल आएगा जरा ये समझिए। क्वेश्चन है कि आप चूज करो, आप चुनो कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि चूज द CHOACE चूज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको क्या करना है, चुनना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को चुनने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 1/2, दूसरा क्वेश्चन है 1/3, तीसरा क्वेश्चन है 11/9 और चौथा क्वेश्चन है 5/4। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब हमको चुनना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड स्टार्ट करेंगे। वन को किस में भाग करना है, टू में, तो वन को डिवाइड करेंगे टू से, वन में टू से डिवाइड करेंगे, तो ये तो भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट देंगे। फिर पॉइंट दे देंगे तो यहां पे जीरो बैठाया जाएगा, तो 2 + 5 कितना होता है 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों 0। तो जब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसलिए हम बोल देंगे कि 1/2 क्या है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। तो यह हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि दूसरा कैसा है, तो यह सॉल्यूशन नंबर 1 था। सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं, तो 1 में कितना से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, 2 से, तो 1 में अगर सॉरी 1 में 3 से डिवाइड करना है तो 1/3 का मतलब हुआ 1 में 3 से डिवाइड करो। तो जब 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो नहीं लगेगा, तो यहां पे पॉइंट देंगे, तो यहां कितना होगा 0। अब यहां से हो जाएगा कितनी बार लगाएंगे, तो 3 जाना है, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो एक पॉइंट देते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों हर बार 0 बैठाते हैं, तो यहां पे फिर से 0, 3 × 3 = 9, फिर से कितना 1, फिर से 0 बैठाए, 3 × 3 = 9, फिर से 1 रिमाइंडर आ रहा है 0, 3 × 3 = 9, 1 और अपने तरफ से 0, क्योंकि एक बार पॉइंट दे दिए हैं तो हर बार आप 0 बैठा सकते हैं, फिर 3 × 3 = 9। प्यारे बच्चों आप इसको करते करते पेज को भर दीजिए, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि दूसरा वाला सवाल में कितना बार भी आप भागा दीजिए तो वो क्या होगा, हमेशा
कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो हम यहाँ बोल देंगे कि वन बाई थ्री क्या है, तो वन बाई थ्री एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसको पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल भागा देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर डिवाइड अच्छा से करने आता है तो आप आसानी से जान जाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर किसी में रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आप समझ जाइए कि वो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, आप भाग कर रहे हैं कभी रिमाइंडर जीरो बचने का सवाल नहीं है, तो आप उसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 11/9, तो 11/9 को हम टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है जरा देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। तो 11 में भाग करना है प्यारे बच्चों 9 से, तो 9 से 9 1 9 कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2। तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहां बैठाते हैं पॉइंट। तो पॉइंट बैठाते हैं तो 0 हो गया। अब 9 से कितना बार मिलाएगा, 9 2 18, फिर से कितना बच रहा है रिमाइंडर, 2। तो जब एक बार पॉइंट दे दिए तो अब हम बार बार 0 बैठा सकते हैं, तो 9 2 9 18, फिर है 2, फिर 0 बैठाएंगे तो 9 2 9 18। हमेशा प्यारे बच्चों क्या आते रहेगा, तो 2 रिमाइंडर आते रहेगा। कभी भी आप कितना लंबा चौड़ा भी भाग कर लीजिए, आपको कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो यहां पे जब 0 नहीं आता है इसलिए बोलेंगे कि 11/9 क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जरा आगे बात करते हैं, चौथा को भी चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो 5/4, तो 5/4 है, तो जरा देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को भी। चौथा क्वेश्चन है 5/4, 5 में 4 से डिवाइड करना है। तो 5 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा 4 1 4, डिवाइड माइनस करेंगे 1 आएगा। अब जब 1 आ गया तो अब तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट देकर यहाँ 0 बैठा लेंगे, तो अब 4 2 8, अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2। अब एक बार पॉइंट दे दिए प्यारे बच्चों तो हर बार 0 देंगे, तो अब 4 5 20, तो यहाँ हो गया कट करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम इसको बोलेंगे, इसलिए 5/4 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जरा आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग का कोई पार्ट्स नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है, हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट्स है। अब उसका कौन सा पार्ट है जरा देखिए, उसका भी 2 पार्ट्स है। तो अब लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल का टाइप। तो प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स का डेसिमल का 2 टाइप्स है, एक है रिपीटिंग, REAPTING, रिपीटिंग, और एक है नॉन रिपीटिंग। देखिए अब नॉन टर्मिनेटिंग का कितना पार्ट्स हुआ, तो 2 पार्ट्स, एक का नाम है रिपीटिंग और दूसरे का नाम है नॉन रिपीटिंग। अब किसको हम बोलेंगे रिपीटिंग और किसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, तो प्यारे बच्चों रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं कि वो चीज बार 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 रिपीट होगा। तो जब वो चीजें बार बार रिपीट होगा तब हम उसको बोलेंगे रिपीटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब वो बार बार रिपीट नहीं होगा यानी कि नॉन रिपीटिंग होगा तब हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन रिपीटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट्स, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। चलिए अब रिपीटिंग किसको कहेंगे, रिपीटिंग किसको कहेंगे? तो प्यारे बच्चों रिपीटिंग का मतलब होता है कि डिवाइड करने से वो बार 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 चीजें आते जाता है। अब जो बार बार चीजें आते जाता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी हम लोग डिवाइड करेंगे एग्जाम्पल, तो क्या आएगा 1.33333, हमेशा 3333 आते जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे 1.3 का रेकरिंग। इसको पढ़ते हैं, ऊपर जब दिखा दिए इसका मतलब ये हुआ कि 1.3 का रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है कि 3 अनंत बार आते जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर प्यारे बच्चों ऐसा रहेगा 2.7 का रेकरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1.2 तो ठीक ठाक है लेकिन उसके बाद 7.7.7.7 आते जा रहा है। ये हुआ रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीटिंग को ऊपर रेकरिंग के द्वारा सूचित करते हैं। ये जो ऊपर लाइन देते हैं ना इसको पढ़ते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है वही चीजें बार बार आना। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे कि 12.450 का रेकरिंग, देखिए 50 का रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 5050 बार बार आते रहेगा। जैसे 12.4505050 ऐसे ही आते जाएगा इटीसी तक, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग में क्या होता है कि वो रेकरिंग होता है, मतलब एक या दो या तीन डिजिट रिपीट करता है। देख लीजिए चौथा एग्जांपल भी दे देते हैं, 122.84803 चारों का रिपीटिंग, चारों का रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि हर बार 4803 ये हर बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और कहां तक? तो अनंत तक जाएगा, यानी कि जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहता है वही चीजें बार 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 क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे ये रिपीटिंग को हम लोग बार से दिखाते हैं, इसको बार भी पढ़ते हैं या रेकरिंग भी पढ़ते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग क्या है। नॉन रिपीटिंग में तो इसको जरूर लिख लीजिएगा रिपीटिंग का मतलब। अच्छा, नॉन रिपीटिंग के बारे में देखिए, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, तो ये रिपीट नहीं करता है। नॉन रिपीटिंग, प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए कि नॉन रिपीटिंग क्या है तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा एग्जांपल है, ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें या तो उसका कभी रिमाइंडर भी जीरो नहीं आता है, आप लाख बार भाग करते रहो जैसे कि 1.2734 फिर आ गया 6312398763 इटीसी करके आएगा। यानी प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां पे कोई रिपीट भी नहीं होता है, यानी कि पहला तो बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप भाग देते जाओ कभी रिमाइंडर जीरो भी नहीं आएगा। और दूसरी बात कि जब आप इसको लिखना चाहें तो कोई रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है नॉन रिपीटिंग। अच्छा, अगर मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल पाई भी हो सकता है प्यारे छात्रों, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और प्यारे बच्चों जब 22 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कभी नहीं कटेगा। जैसे आपको हम 22 से 7 में दिखाते हैं भाग देकर, 7 3 21 कितना रिमाइंडर बचा 1, तो यहां पॉइंट दिए 0, 7 1 7 बच गया 3, फिर 0, 7 4 28 फिर से कितना 2 0, 7 2 14 फिर 6 0, 7 8 56 56 का 4 0, 7 6 7 25 35 35 का 5 5 के बाद 0, 7 7 49 49 के बाद 1, 7 1 7 फिर बच गया 3, 7 4 28 देख पा रहे होंगे
कि इतना चीज आने के बाद, हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर ये 1, 4, 2, 8, 5 ये सब तो आते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाई भी एक का वैल्यू 22/7 होता है और ये भी एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे 4, 14.8, 7, 4, 3, 2, 1, 7, 6, फिर आ गया 5, 4, जब जो डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा अगर आते जाएगा तब हम इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट, दो पार्ट, एक का नाम है रिपीटिंग और एक का नाम है नॉन रिपीटिंग। तो अब हम लोग तो ये समझ सकते हैं कि रिपीटिंग किसको कहते हैं, तो जो चीजें बार बार रिपीट होता है यानी वहां पर रेकरिंग देकर दिखाते हैं तब हम उसको बोलेंगे रिपीटिंग, और जहां पर रेकरिंग नहीं रहेगा यानी कि नॉन रिपीटिंग। अब प्यारे बच्चों एक और चीज कि जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 में एनसीईआरटी की किताब में एक्सरसाइज कितना, तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन में ऑल है, पहला तो क्वेश्चन 36/100 है और पहला का जितना भी क्वेश्चन है उसमें डिवाइड करके आपको चेक करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे पहला क्वेश्चन 36/100 है तो 36/100 को हम चेक करके दिखाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ही प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, होमवर्क्स के तौर पे एक्सरसाइज 1.3 का टोटल, एक्सरसाइज 1.3 का पहला का जितना भी सवाल टोटल है आपको खुद से बनाकर और हमें सेंड करना है। चलिए तो पहला का एक्सरसाइज 1.3 का पहला का जो पहला सवाल है वो 36/100 है। तो आपको इसमें बोल रहा है कि किस प्रकार का डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप 36 में 100 से डिवाइड कीजिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा इसलिए पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो हो गया। 100 को 3 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 300, फिर बचेगा 60, लेकिन एक बार पॉइंट दिए हैं तो एक और जीरो लगा सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6। तो इस तरीके से जीरो आ गया तेरे बच्चों। तो जब जीरो आ गया तब हम बोलेंगे कि इसलिए 36/100 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला में जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको चेक करना है और ग्रुप में जरूर से जरूर भेजना है ताकि हम ये देख पाएंगे कि कितने लोग सही कर पा रहे हैं इस चीज को और कितने लोग गलत कर पा रहे हैं, कितने लोग पहचान पा रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कितने लोग नहीं पहचान रहे। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चीज को पढ़ेंगे। धन्यवाद।